महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के आरोपों पर उन्हीं से सवाल पूछ डाला। क्या था राहुल गांधी का आरोप, आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा सागर और आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज। दरअसल महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आज 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी के हैं। इस पर नड्डा ने पूछा कि 2004 से 2014 के बीच कितने ओबीसी सेक्रेटरी थे और कहां थे। जेपी नड्डा ने कहा था कि ओबीसी को लेकर नेहरू के कार्यकाल में काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये पड़ी हुई थी। इसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दो, जिसके बाद 1995 से 1996 में ऑल इंडिया सर्विसेज में ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ। बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि अभी जो भी कैबिनेट सेक्रेटरी है वो 1992 से पहले के लोग हैं। उसके बाद नड्डा ने राहुल गांधी से पूछा कि 2004 से 2014 तक कितने ओबीसी सेक्रेटरी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए नड्डा ने कहा कि लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर स्टेटमेंट से काम नहीं चलता है। अगर ट्यूटर कोई लीडर हो तो भी समझ आता है, इन एनजीओ को लेकर आ जाते हो, वो आपको समझाते हैं और आप बोल कर निकल जाते हैं, ऐसे नहीं चलता है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने कहा कि आजाद भारत में 12 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। कई देशों में महिलाओं ने वोटिंग राइट्स के लिए लंबा संघर्ष किया है। हमारे यहाँ पहले आम चुनाव में महिलाओं को ये अधिकार मिला। उन्होंने सरोजनी नायडू की ब्रिटिश पीएम को चिट्ठी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारा नजरिया अबला बेचारी का कभी नहीं रहा, हमने आगे बढ़ने का काम किया है। हमारे देश को कई दूसरे देशों के मुकाबले पहले महिला प्रधानमंत्री मिल गई थी। बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि 90 सचिव जो सरकार को चला रहे हैं उनमें से कितने ओबीसी से आते हैं, सिर्फ 3 ओबीसी से आते हैं, ये सेक्रेटरी 5% ही बजट कंट्रोल करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि परिसीमन और जनगणना पूरी होने के प्रावधान के बजाय इसे फौरन लागू किया जाना चाहिए। जब भी विपक्ष जातीय जनगणना की बात करता है भटकाने वाले मुद्दे लाए जाते हैं। राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा था कि इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, लेकिन मेरी समझ है कि देश सरकार चलाती है। बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 हैं, यानी 40% हैं, जबकि विपक्ष के लोग तो 33% की बात करते हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सही लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट भी करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ डेली न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट thevocalnews.com को भी विजिट कर सकते हैं।